हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट साइड बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमारा बैक साइड का है, इसकी जो वीडियो है मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो चलिए अब हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो पहले हम अस्तर को इस तरह से ओपन कर लेना है। तो देखिए, ये मैं अपने तरफ खुला हुआ भाग रखी हूँ इस तरह से। अब यहाँ से हम इसकी नाप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हुक आई के लिए हमें कपड़ा छोड़ देना है। तो इस तरह हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए शोल्डर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हाँ, ये हमारा हुकाई के लिए हमने कपड़ा छोड़ रखा है। तो ये जो हमने निशान लगाया है वहीं से ही आप अपने चेस्ट का निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर लगा रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे इस तरह से। अभी हमें ब्लाउज की लंबाई देख लेना है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है, बैक साइड की मैंने लंबाई 14 इंच रखी थी। यहाँ पर फ्रंट की मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अभी हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारा यहाँ पर 32 इंच है, तो मैं 8 इंच पर लगा रही हूँ। तो इस तरह हमने कमर का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। तो हमने दोनों निशानों को मिला लिया है और 2 इंच हमने यहाँ पर, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इस तरह से इन निशानों को भी हम मिला लिए हैं यहाँ पर। अभी सबसे पहले इसकी मैं ना कटिंग करके अलग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से और समझाऊँगी कि हमें यहाँ कहाँ कहाँ से बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने बाकी कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसे कट कर लिया है। अभी देखिए, ऊपर की तरफ जो आर्म होल है वहाँ से हम 1 इंच और नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस मार्क को इस तरह मिला लेंगे। बस इतना ही आपको करना है। फ्रंट अगर आप प्रिंस कट में बना रहे हैं तो इस तरह से ऊपर से 1 इंच और नीचे से हमें 2 इंच। अगर आपका ब्रेस्ट साइड हैवी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2.5 से 3 इंच। अभी देखिए, आर्म होल में हमने 1 इंच अंदर की तरफ ले लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने आर्म होल का यहाँ शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अभी गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर हम 4 इंच रख रहे हैं। बैक साइड का भी हमारा सेम था, 4 इंच चौड़ाई था। और डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 5.5 इंच रख रही हूँ, आप 6 इंच भी रख सकते हैं। अब इसको हमें बराबर इस तरह से स्क्वायर में बना लेना है। अब यहीं से हमें अपने नेक का शेप दे देते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। अभी देखिए, नीचे हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर, 1/2 इंच को छोड़ते हुए। जो हुकाई का है पट्टी है उसको हम को छोड़ते हुए यहाँ पर हम 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ऊपर से हम ले लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच। तो इस तरह हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा टक्स का पॉइंट हो गया है। और नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर जो हमने 2 इंच छोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने ये 1.5 इंच निशान लगा लिया है। अब यहाँ से भी ऊपर की तरफ भी हम 1.5 इंच ही लेंगे। तो हमने ये 1.5 इंच भी ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस निशान को बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बराबर कर लिया है जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ तक। अब इसको टक्स पॉइंट से ही हमें इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए जाना है और अपने आर्म होल से मिला लेना है। तो इस तरह हमने इसे मिला लिया है। और यहाँ से जो हमने 1.5 इंच लिया है वहाँ से भी हमें इस तरह से हल्का राउंड में शेप दे देना है। तो ये हमारी हो गई प्रिंस कट का मार्किंग। अभी देखिए, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। ये 1/2 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बैक साइड का हमारा 14 इंच था, तो यहाँ पर हमने 14.5 इंच किया। तो हमने 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कर ले रही हूँ ताकि यहाँ पर जब हम फिटिंग लगाएं तो उस टाइम पे बिल्कुल कपड़ा बराबर आना चाहिए। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो 1 इंच पर निशान लगाएं कि इसको आप बराबर करें। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर रखी है यहाँ पर। और नेक की भी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने नेक का भी कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पे भी मैंने रख के कट कर लिया है। इसे ओपन कर लेते हैं और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक अस्तर अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये दोनों पल्ला रेडी हो गया है, ये देखिए। अभी सेम हमको उसी तरह इसे भी रेडी कर लेना है। चारों तरफ सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से इसे भी हम अटैच कर लेते हैं।
तो देखिए इसे भी हमने अटैच करके कट कर लिया है यहाँ पर। अब ये जो हमारा पल्ला है इसे हमें जोड़ना है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें नीचे की तरफ से लगाना है, तो इस तरह से हम इसको नीचे से रख रहे हैं, रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को आपको बिल्कुल खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमारी लग चुकी है, इस पर हम डबल लगा के इसे अच्छे से पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लिया है इस तरह। अब दूसरे पल्ले को भी आपको सेम इसी तरह ही अटैच कर लेना है यहाँ पर। तो हमने दोनों पल्ला यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अभी हमें लगाना है यहाँ पर हुक की पट्टी। तो हम ये जो हम हुक की पट्टी लगाएंगे उसको हम आगे की तरफ से लगाते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे इसी तरह से आप यहाँ पर लगाएं और इसे पलटते हुए दोबारा एक बार फिर से हम इस पर दबई सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये भी लगा लिया है, अब इसे हमें एक बार फिर से पलट लेना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, बट यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। तो ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई है। अभी हमें करना है आई की पट्टी रेडी करना है। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें ब्लाउज को मैंने यहाँ उल्टा रखा हुआ है और उल्टे की तरफ से ही यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर लगभग 2.5 इंच है। अब इसे पलटते हुए ऊपर से एक बार हम फिर से सिलाई लगाएंगे। हमने ऊपर से भी इसे सिलाई लगा लिया है। अब देखिए इसे हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। एक बार फिर से हम एक पैर की मार्जिंग देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैर की मार्जिंग देते हुए सिलाई लगा लिया है। और एक बार इसे रख के बराबर देख लेते हैं कहीं छोटा बड़ा ना हो, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर हम कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो दोनों साइड आपको सेम इसी तरह अटैच कर लेना है। तो हमने पट्टियाँ अटैच कर ली है। अभी बैक साइड का पल्ला ले लेते हैं और हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर पे हम डबल सिलाई लगा के अच्छे से इसे पक्का कर लेते हैं। तो हमने इसे पक्का भी कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर हमारी जो शोल्डर है वो ज्वाइंट हो गई है। अभी इस नेक पे हमें आप चाहे तो तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं या पाइपिंग बना सकते हैं। तो मेरी नेक भी रेडी हो गई है। अभी हम स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको दोनों साइड की जो स्लीव्स है वो अटैच कर लेना है। मैं एक साइड की स्लीव्स अटैच करके दिखा रही हूँ आपको, दूसरी साइड की भी सेम आप इसी तरह ही स्लीव्स अटैच कीजिएगा। तो जब भी आप स्लीव्स अटैच करते हैं तो आपको सेंटर से रख के ही करना है। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो गई है। दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह करना है। तो हमने दोनों साइड के स्लीव्स अटैच कर लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हमने कटिंग किया था तो हमने अपनी जो मेज़रमेंट है वहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से चाक का निशान लगा लिया था। तो हमारा जो ब्लाउज़ है बनके रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।